क्यों? अभी बर्दाश्त नहीं हुआ? कसम से मुझे लगता है कि मैं आपसे दिन रात चिपकी रहूं। जाने का दिल तो हमारा भी नहीं करता मेरी जान। हाँ। चल तेरे कमरे में थोड़ी देर आराम करते हैं, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। सच में? हाँ हो करे जा, चले चलो। और ये कहो यजियरा हमार, हो करे जा। आए देखने वालों, तुम लोगों को बुरा तो नहीं लग रहा है? इनका तो हजारन का बुरा लग। अरे बोलो ना, काहे चुपचाप बैठे हो? और ये कहो यजियरा हमार, हे रनिया गुम होई गवाहे। ये कहो कर रही है, दिखाई नहीं दे रही। चल किसके कमरे में देखती हूँ, सही सोती तो नहीं? आओ हो करे जा। आ मरे राजा, कसम से चपके रहा हूँ आधा घंटा। अरे इसी कमरे के अंदर से ये मर्द की आवाज देखती हूँ चल के। आए दैया, आओ चपका लिया हो। आए मरे राजा। अरे आई तो हाँ दैया, मांग मराड़ के आज तमोगत बना डाई। हराम खोर छिनार रंडी कर, रंडी छिनार तो हमारे कुल में आके दाग लगा दी। अरे हराम जाती तो लगाई है कि मैं लगाई हुआ कमीनी, अगर तुझे ऐसे जानती ना तो तुझे आग लगा कर तेरे शरीर में मार दूँ। अगर ज्यादा मुचलाई ना हराम जाती तेरे मुंह में घर छोला बांध चलाऊंगी। हाँ तो हराम खोर कमीनी कहीं की तो कमीनी बेहूदी बातें करे और बजा रही है।
यार तारी मांग में हैया गाड़ी के बुरा पाएगी बेहया बेशरम सर में आई नहीं ऐसा कहते हुए सर में राजमलका रुक जाओ अब आगे कदम नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक क्या करोगे तूने देख ही लिया है? हाँ मैंने देख लिया है। तो तू अपने बेटों से बताएगी? हाँ बेटे से बता दूंगी अपने पति से बता दूंगी। हराम जादी अब ये दुर्जन सिंह तुझे वहां तक नहीं जाने देगा। क्या? महारानी रोशनी अगर तूने मुझसे सच्ची मोहब्बत किया है तो सुन मेरी बात। और यार है बुढ़िया भूल रहे हो। अगर तूने मुझसे मोहब्बत किया है तो मिटा दे अपने हाथ से अपने सास को। करें तो इतना बड़ा घोर अन्याय मत कर अन्याय कर रहे हो और तुम अरे आराम से आराम जादी बढ़िया लीजिए सेनापति जी दरबारियों ले जाए इस लाश को चुन हवेली के पीछे घट रहे हाँ उसी में डाल दे और ये बह जाए चुपचाप ऐ देखने वालों ए हैया गाड़े हरम ताली बहु बजावर रहो ना बजाओ रे ताली आरे तुम्हार नगिनिया समझे घुसेर दे भा ऐ देखने वालों रुक जा मेरी जान रास्ते का एक काटा तो खत्म हुआ हैया गाड़े कहानी कल भोंजा मानो होश में बैठे समझ ली है अगर कौना 10,000 ताली बजावा तो अगर अद्धा अद्धा खपरी फोड़ दे भा रोशनी रास्ते का एक काटा तो खत्म हुआ अब बचा है तेरा देवर और तोरा भतार भतार इनको भी रास्ते से हटा के यहाँ की राजमलका तू और यहाँ का महाराज वह बनूंगा फिर इन ताली बजाने वालों से पूछेंगे हमने इसे मारा कोई बुरा तो नहीं किया करें बताओ बोलो ए ए बाबा ए हो से महा समझ है ए हो करे जा अभी इन्हें चिल्लाने दे तनी राज को अपने हाथ में आ जाने देना अगर राज हाथ में आ गए फिर इन ताली बजाने वालों से पूछेंगे गाँव में रही ना मोहाल कर दूंगा समझ लेना ए, ए हो करे जा आ मरे राजा और तोरे ठोड़ी का आई दैया सब ही दीवाना अरे इनके नाम भाई जानर के हाँ क्या हुआ हो ये हमारे ढोड़ी का दीवाना है और तोरे ठोड़ी का सब ही दीवाना अरे एक रानी छे सहर लधियाना ओ हमरा ढोड़ी के सब ही दीवाना बा एक नीचे शहर लुधियाना बा लपर लपर कर तड़ू पे कोई सामियाना
दुख की बात है यार, जब से यहाँ महाराज जिस जेल में बंद हैं तब से न उनको खाना न पानी न कोई चीज दिया गया। राज सेवक। नमस्कार साहब। नमस्कार। सबसे पहले तुम ये बताओ, आज हम ये क्या सुन रहे हैं कि हमारे पिताजी को मार करके जेल में बंद कर दिया गया? साहब आप एकदम सही सुन रहे हैं। किसकी जुर्रत हुई राज सेवक, जो कि हमारे पिताजी पे इतना बड़ा जुल्म किया गया? साहब हमारी औकात कैसे हो सकती है, हम कहाँ से बंद कर सकते हैं, हमारी इतनी बड़ी हस्ती नहीं है साहब। तुम्हारे अपने खुद लोग, अपने लोग तुम्हारे खुद आपके भैया भाभी कसम से बहुत महाराज जी को मार रहे थे और मारते मारते मुझको दिए, बोले ले जाओ इनको जेल में बंद कर दो और न इनको खाना देना न पानी देना न इनको जेल के बाहर कभी निकालना। क्या हमारे भैया हमारी भाभी? जी साहब। लेकिन क्यों राज सेवक, क्यों? साहब ये बात तो मुझे भी नहीं पता साहब। अगर तुम्हें नहीं मालूम तो शीघ्र यहाँ से जाओ और हमारे पिताजी को जेल से बाहर लेकर हमारे पास आओ। साहब आप एकदम सही कह रहे हैं, लेकिन साहब मेरे भी पेट है, मेरे बच्चों के पेट है, मैं अपने बीबी बच्चों के लिए मर रहा हूँ यहाँ साहब। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? साहब आपके भैया बोले अगर हमारे पिताजी को तुम कैद खाने से बाहर लाओगे तो हम तुम्हें नौकरी से बाहर कर देंगे। यानी तुम अपनी नौकरी से डरते हो? जी साहब। राज सेवक जितना हक यहाँ हमारे भैया का है उतना हमारा भी है, हम तुमसे वादा करते हैं तुम्हें नौकरी से कोई बाहर नहीं करेगा। अगर ऐसी बात है साहब तो मैं अभी ला रहा हूँ साहब। जाओ राज सेवक जाओ। ओके साहब। साहब ये रहे आपके पिताजी श्री महाराज जी। पिताजी पिताजी हाथ बहुत गजब हो गया रे, आपने हमारा तख्त और ताज सब कुछ छीन करके हमें कारागार में मार कर डाल दिया बोला। लेकिन ये किसने किया है पिताजी, ये किसने किया है बोला? आज तेरा भाई और तेरी भाभी ने मिलकर के हमारा तख्त और ताज छीन लिया और हमें मार कर कारागार में डाल दिया बोला। क्या सुनी? क्योंकि तेरा भाई यहाँ का महाराज और तेरी भाभी यहाँ की महारानी बन बैठी। क्या हमारे भैया और हमारी भाभी यहाँ के महाराज और महारानी बनने खातिर आपकी ये दशा? हाँ बोला। पिताजी अगर उन्हें महाराज और महारानी बनना तो शौक से बन जाते, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं था। लेकिन तुम्हारा आज ये हाल हुआ है पिताजी, आज तक मैंने भैया और भाभी का बहुत सम्मान किया है, आज तुम मेरे साथ चलो, आज तो हम भैया से और भाभी से मुंह तोड़ बात करेंगे। नहीं मुल्ला, अगर मैं उन दोनों के सामने जाऊंगा तो दोनों लोग मिलकर के मुझे जान से मार देंगे राजू। अच्छा क्या हो गया उन्हें? तो चल मेरे साथ मुन्ना, यहाँ से भाग चलते राजू। हाँ मेरे लाल। पिताजी आज तक आपने जो भी कहा है हमेशा आपके वचनों को हमने पालन किया है, आज हमें माफ करना, आज हम तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनेंगे। नहीं मुन्ना। बल्कि तुम्हें हमारी बात को मानना होगा। नहीं मुन्ना। अगर भैया और भाभी अगर ऐसा कह सकते हैं तो वो तुम्हें जान से मार सकते हैं पिताजी। इससे पहले इस बात को कोई नहीं जानता, सिर्फ हमारा राज सेवक जानता है और हम जानते हैं। हम तुम्हें यहाँ से निकाल रहे हैं पिताजी, तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ कुछ दिन के लिए, और मैं देखता हूँ कि भैया और भाभी यहाँ करते क्या है। नहीं मुल्ला, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, तुम्हारे साथ चल राजू। हाँ मुल्ला, तुम्हारे साथ चल मुल्ला। तुम्हें मेरी कसम पिताजी, तुम्हें मेरी कसम, तुम यहाँ से चले जाओ पिताजी। हमको भूल न जाना, हम Oh,
किया, आखिर तुम्हें क्या हो गया? कभी हमने तुमने कभी पिताजी के सामने बात नहीं करते थे, और आज यहाँ के महाराज बनने खातिर हमारे देवता जैसे पिताजी पे इतना बड़ा जुल्म किया है। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ भैया, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, आज तो मैं तुमसे मुंह तोड़ बात करूंगा। और नदिया में उगल पानी जवानी, और जब से चल जवानी बड़ा मार करे से इतने थक गई हूँ, चलते थोड़ी देर आराम करती हूँ, उसके बाद फिर आगे काम सोचूंगी। चलते हो भाभी। लाला नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ये बताओ कि भैया कहाँ है? भैया भैया शिकार खेलने गए हैं। क्या भैया शिकार खेलने गए? हाँ। कब तक भैया आएंगे? भैया शाम तक आ जाएंगे। ठीक है भाभी, लेकिन जिस वक्त भैया आ जाए तो हमें खबर देना, हम तुमसे और भैया से बहुत जरूरी बात करना चाहते हैं। अच्छा। हाँ भैया आए तो हमें खबर देना। अरे कहाँ जा रहे हो देवर जी? क्या जब भी आते हो बस भैया 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 कहकर चले जाते हो, ये बताओ? अरे थोड़ा मेरे लिए भी टाइम निकाल लिया करो, बस भैया को पूछते हो चले जाते हो। आखिर तुम हमारे भाभी हो, हमारे वो भैया हैं, तुम्हें भैया और भाभी नहीं कहेंगे तो क्या करें? अरे तो भैया भाभी नहीं, कभी भाभी के सिवा और कुछ बोला करो ना। और क्या बोला करें? जब भी आते हैं बस भाभी 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 कहकर चले जाते हैं। अरे कभी भाभी के सिवा डार्लिंग बोलो ना, कभी माल बोलो ना, कभी जानू बोलो। भाभी तुम्हारा दिमाग नहीं खराब हो गया? अरे ऐसे बोलने से पहले तुम्हें सोच लेना चाहिए कि छोटा देवर एक बेटा समान होता है। हमारे सामने ऐसे उल्टी सीधी बातें बोलने में तुम्हें शर्म नहीं आई क्या? यार भी हम फालतू बात नहीं करना चाहते, भैया आए तो तुम हमें खबर देना, तब हम बताएंगे। ऐसे तो नहीं जोने, सुनो मेरी बात, बार बार भाभी भाभी लगा रखे हो, बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरी बात सुनो। और नहीं भाभी कह के, सुन रहे हो ना, सुन रहे हो? और नहीं भाभी कह के, अरे दुखिया तुमको ये पछताना पड़ी। क्या दूर रखो ये
आंखें क्यों शर्मा गई, और बस तू ही एक दुनिया में सारा। सो बहादुर का हो थे? मेरा पैर छुटा दो, फिर मैं बात करता हूँ। पैर छुटा दो, मेरा पैर छुटा दो, मैं तुम्हारा हाथ जोड़ता हूँ। सही अरे यार मेहनत करता है रह जा। बना बहादुर टहलत रहना पहलवान। अबे मोहल्ला गति ये पिले से बेवत्तरी। अबे सासु तुम झिंगुरा फंस जातो, देख माँ बहन छोड़ा दे तू। भाभी आखिर तुम्हें क्या हो गया है? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए जो भी बात करना है तुम हमसे दूर से बात करो। देवर जी आज मैं अपनी बिजली आप पर गिरा के आऊंगी। हाँ मेरी चढ़ती जवानी तड़पे हराम जादो। अरे
सामने उकला लाग दाई जा रहा आए आइया गाड़े मार पेट दाई दाई जा रहा लाला। उस समय से भाभी भाभी लेकिन मेरे भाभी जादे, वो आया मुझे बैंड की तरह बजा कर चला गया और तो हरामजादे डांस कर काका और आ बाप रे बैंड क्या हुआ महारानी लोस अरे साहब का बैंड चुप क्या हुआ काहे पसीना फेंके हुई मेरी जान आए दैया मैं तो लूट गई क्या हुआ अरे बजाओ दही जार रजुआ क्या किया रजुआ ने हाँ क्या किया आवा दही जार हमका बैंड की तरह बजाए तब चला गया तुझे रजुआ ने मारा हाँ कोई चीज लोग दांत फाड़ फाड़ के हंस रहे का ये दही जारे पिट 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 करा थे दही जारन के सुबेरे तक मैं हाथ कटवा दे भा महारानी रोशनी अगर रजुआ ने तुझे मारा है रजुआ के मारने पे ही लोगों को अच्छा लगा है बहुत अच्छा लगा दहजारे हंस के दांत फारत रहे इनके मोहम्मद अहजारन के छोला बांस डवा दे मेरी जान से। अगर रजुआ से बदला लेना है तो तेरे तिरियाचरित का वक्त आ गया है लेकिन तिरियाचरित हाँ तिरियाचरित अगर रजुआ ने मारा है तो अपने ब्लाउज को चीर डाल ब्लाउज का आ दोनों जन लात लगा के फारत जाए अपनी साड़ी को चीर डाल और अपने रूप को ऐसा बना कि रजुआ तेरे रूम में आया और जबरदस्ती तेरे अबरू के साथ खिलवाड़ किया अच्छा और रही बात तेरे भतार की तो मैं उसे अपने दिमाग में ऐसा लाऊंगा कि तेरे तेवर के खून का प्यासा हो जाएगा मंत्री जी मैं इधर अपना काम करते हूँ और आप उधर मेरे भतार को लाइन में लाइए कि वो हरामजादे को दीवर को इतना मार मार के उसका गूधा निकाल दे चले चलो तू अपना रूप बना और मैं तेरे भतार को अपने दिमाग में लाता हूँ हाँ मेरे राजा हाँ मेरे साथ चलो अरे जाओ ना कौन गाड़ी चला लाई जा अरे यार तुम बच्चे बैठो बोल नहीं सकते का बस पहलुआ बसते तो हो गया भैया ये तो जौन तन खौखिया के मारती हैं कौन अगर गिना जा तो पूरे हंटन नजर आवे कसम से का तो जौनता मारत ही अगर ठाव को ठाव लाग जा तो मोर कहूं कनहरी न गिर जाए ए भैया साहेब नमस्ते खुश रहो रात दरबारी क्या बात है यहाँ के प्रजा खुशहाल है सब एकदम चकापुक है सब खुशहाल है अच्छी तरह रही है हाँ, किसी का कोई तरह का कष्ट नहीं है कौनों को नहीं ना चाहिए हम थोड़ा आराम कर रहे हैं हाँ। अगर कोई भाई से तुरंत मेरे पास लेकर ओके 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 दरबारी ओए राजस्व आया हाँ यार कहाँ है वो चार पांच घंटे से बैठ के आराम कर तो यही मैं आ रहा भले राजेश की जय हो और बड़े राजकुमार की जय जयकार हो मैं
मैंने आज तक तुम्हारे परिवार का नमक खाया है और कभी तुम्हारे परिवार की बुराई नहीं किया। आज मैं जो देख के आया हूं, अगर मैं बताऊं तो क्या तू मेरी बात को यकीन करेगा? मंत्रीवर, आखिर कौन सी बात है, तुम बहकी बहकी बात करते हो। आज जो मैंने देखा है, शायद तुझसे बता दूंगा ना तो तेरा कलेजा फट जाएगा। अरे हम जानना चाहते हैं कि कौन सी ऐसी बात है जो तुम्हारे वचनों को सुन करके हमारा कलेजा फट जाएगा। बता दो, बोलिए। और तेरा भाई रजुआ सुनता है मेरी बात को? मैं सुन रहा हूँ। और तेरा भाई रजुआ जो पाला सामने बात कर रहे हो। अरे गया रात कमरे में पत्नी के तेरे, अरे लूटी आबरू हमारा भाई हमारे साथ विश्वासघात नहीं। क्या सबूत चाहते हो? मैं यही जानना चाहता हूं कि हमारा भाई, हाँ, और हमारे साथ विश्वासघात, हम तुम्हारी वचनों को कैसे माने? तुम्हारे पास क्या सबूत है? अगर सबूत ला के गवाही पेश कर दूं तो क्या यह आश्रम नगर का इंसाफ 20 साल पुराना वाला होगा? महाबलेश्वर, तुमको सच बोलना भरा चाहिए कि यह इंसाफ हुआ है और इंसाफ होगा। तुम्हारे पास क्या सबूत है? तशरीफ रखिए, आओ महारानी रोशनी, आओ। अरे मोरे कार अबवारे, आए मोरे रोशनी, ये तू क्या करी है? रोशनी, जो महामंत्री वर कह रहे हैं क्या ये बात सच है? ये बात बिल्कुल सही है। आप तो मुझे घर में छोड़ के चले जाते शिकार खेलने,
आपको मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं रहती है। आपके जाने के बाद जानते हो क्या हुआ? क्या हुआ हमारे जाने के बाद? आपके जाने के बाद जैसे आप कमरे से निकले, ना जाने जंगल पहुंचे हो या नहीं, जैसे आप घर से निकले वैसे मेरे कमरे में राजू घुस गया। हमारा भाई? हाँ भाई, ताजार राजूआ। फिर क्या हुआ रोशनी? फिर का बताई? आवा का भौजी, भैया कहाँ चले गए? हम कहीं नाला शिकार खेल गए हैं, कहीं कभी तक कहीं है, हम कहीं शाम तक आ जाएंगे, लाला का काम रहा जो इतना कहा कि शाम तक कहिए ना पूछो, दही जा रहा मेरे ऊपर जैसे कनो कुकुर जुटा हो। भगवान कसम, हम तुम्हार कसम खा गई थी कि मुझे बहुत समझावा, हम का लाला रह देव, अगर तुमका तुम्हार जवानी बर्दाश्त नहीं हो तो सार खा रहे जो तुम्हार शादी करा दे। हेलो, अरे आ गए हमारे अरविंद भैया। अरविंद भैया मोहलिया ने आज से उनकी ओर से 21 रुपए का पुरस्कार आ रहा है। उनका कहना है अगर तुम्हें कोई मर्द न मिलता हो तो अरविंद भैया राखे का तैयार है। देख ले इनता के तुम्हारे प्रजा के है। रोशनी, भगवान कसम हम कहे तुम्हारी शादी करा दे, कहे नहीं भौजी तुम्हारे साथ कर बे, रांधे जमता हम कदाई जान नोची देख लो पूरे मिलाज पाठ है। रोशनी, अरे हम तेरी बातों को कैसे मान ले, हम तेरी बातों को कैसे विश्वास कर ले कि हमारा भाई तेरे साथ ऐसे शब्द का गलत कर सकता है। हमारा भाई हमारे सामने कभी आंख उठाकर हमसे बात नहीं करता, तो हम कैसे तेरी बचनों को मान ले कि हमारा भाई तेरे साथ विश्वासघात कर सकता है। आप कहा मानेंगे और जानते हो, सुनो और क्या कह रहा था आपको, और कहा ना मरते वो।